नमस्ते। वणक्कम। दीपावली का पर्व अभी अभी गया, लेकिन मुझे बताया गया कि लिटिल इंडिया ने इस बार दीपावली की रोशनी एक हफ्ते तक उसको एक्सटेंड कर दिया। मैं इसके लिए सभी सिंगापुरियंस का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सिंगापुर पहले भी आया हूं, पहले भी इंडियन कम्युनिटी के साथ मिलने का, बातें करने का मुझे अवसर मिला है, लेकिन आज का ये नजारा हिंदुस्तान में बैठ करके कोई सोच भी नहीं सकता है कि सिंगापुर का ये मूड है। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज पूरे विश्व में भारत की जो छवि बनी है, पूरा विश्व भारत की तरफ एक विश्वास के भाव से देख रहा है, उसका कारण उसका कारण मोदी नहीं है, उसका कारण विदेशों में बसे हुए आप मेरे भारतीय भाई बहन हैं। आप लोगों ने दुनिया के जिस देश में गए, जिस धरती पर पहुंचे, जान पहचान थी या नहीं थी, हालात अनुकूल थे या प्रतिकूल थे, आपने उस धरती को अपना बना लिया। आपने उस देश के लोगों के साथ आप ऐसे मिल गए जैसे दूध में शक्कर मिल जाए। हम कभी सुना करते थे, पढ़ा करते थे इतिहास में कि पारसी कौम जब सबसे पहले हिंदुस्तान की धरती पर आए, गुजरात के किनारे पर आए, और उस समय के हिंदू राजा थे जदी राणा, ये विदेश से आए थे, कौन है क्या है जानते नहीं थे, क्यों आए थे पता नहीं था, लेकिन उन्होंने समंदर में से मैसेज भेजा तो राजा ने
एक दूध का ग्लास भरा हुआ उनको भेज दिया और उसमें मैसेज यह था कि जैसे ये ग्लास में दूध पूरी तरह भरा हुआ है और बिल्कुल जगह नहीं है, मैं आपको यहां कैसे समाऊंगा। ये सिंबॉलिक मैसेज था। तो पारसियों ने क्या किया, उस दूध में चीनी मिला दी, शक्कर मिला दी और वो दूध का कटोरा वापस भेजा और उन्होंने राजा को संदेश दिया कि हम विदेश की धरती से आए हैं, संकटों के मारे आए हैं, लेकिन जैसे इस भरे हुए दूध से भरे ग्लास में जगह न होने के बावजूद भी चीनी जैसे उसमें मिल गई, हम भी मिल जाएंगे और हम और मिठास भर देंगे। हिंदुस्तानी भी जहां गया उसने वहां के जीवन के साथ अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा उस समाज में वैसे घुल मिल गया कि हर किसी को वो अपना लगने लगा। दुनिया के कई देशों से पता चलता है कि अगर अड़ोस पड़ोस में कोई इंडियन आता है तो खुशी महसूस करते हैं, उनको लगता है अच्छा भाई कोई इंडियन हमारे पड़ोस में, और वे अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि जरा तुम इंडियन बच्चों से दोस्ती करो। ये इस आपके इन व्यवहार के कारण और सदियों से हमारे देशवासी जहां गए वहां वे एक अपनापन की महक लेकर के गए, अपने बनकर के रहे, हर किसी को गले लगा करके रहे और ये सदियों से परंपरा चली आ रही है और इसी के कारण भारत जब सोने की चिड़िया था तब भी किसी को भी आंख में खटकता नहीं था और हमारे बुरे दिन आए तब भी किसी ने हमें हड़दूत नहीं किया था, अपमानित नहीं किया था, क्योंकि सदियों से हमारे लोगों ने ये प्यार, ये अपनापन, इसी का मूल मंत्र लेकर के, और हमने सिर्फ शास्त्रों में पढ़ा था ऐसा नहीं, वसुधैव कुटुंबकम ये वेद काल से हमारे यहां उद्घोष चला रहा है, लेकिन भारतीयों ने सच्चे अर्थ में वसुधैव कुटुंबकम होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, इस मंत्र को जी करके दिखाया है और उसी के कारण आज विश्व में भारतीयों के प्रति, भारत के प्रति कहीं कोई आशंका का माहौल नहीं होता है, अपनेपन की सुवास होती है और इसलिए मैं विश्व भर में फैले हुए मेरे सभी भारतीय भाइयों बहनों का आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। मैं गत मार्च महीने में एक दिन के लिए सिंगापुर आया था। जिस महापुरुष ने इस सिंगापुर को बनाया, अपने खून पसीने से बनाया, अपने आप को खपा दिया,
एक छोटा सा मछुआरों का गांव आज विश्व के समृद्ध देशों की बराबरी कर रहा हो, ऐसा सिंगापुर बन गया। ऐसे महापुरुष स्वर्गीय ली क्वान यू उनकी अंत्येष्टि के लिए अंतिम दर्शन के लिए मैं आया था। जब सिंगापुर को याद करते हैं तो एक विश्वास पैदा होता है। हां, अगर कुछ करने का मजा है तो होके रहता है। अगर सपने हैं और सपनों के लिए समर्पण है तो सिद्धि आपके चरण चूमने के लिए तैयार रहती है। प्रसिद्धि और सिद्धि में बहुत बड़ा फर्क होता है। कुछ भी करने के बाद प्रसिद्धि तो मिल जाती है, लेकिन सिद्धि के लिए तो सिर्फ तपस्या यही एक मार्ग होता है। और जिन्होंने प्रसिद्धि का रास्ता अपनाया है वो कभी कुछ सिद्धि नहीं कर पाए हैं। कुछ पल तक, कुछ समय तक सुर्खियों में जगह बना सकते हैं, लेकिन धरती पर बदलाव नहीं ला सकते हैं। सिंगापुर वो एक उदाहरण है कि 50 साल के कार्यकाल में एक ही जनरेशन की आंखों के सामने एक देश को कहां से कहां पहुंचाया जा सकता है, इसका यह उत्तम उदाहरण। भारत महान देश है, भारत विशाल देश है, 125 करोड़ देशवासियों का देश है, सब कुछ है, फिर भी सिंगापुर से बहुत कुछ सीखना भी है। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जिस महापुरुष को एक विचार आया, सिंगापुर की सफाई, स्वच्छता, क्लीनलीनेस, अब क्या हमारा देश ये काम नहीं कर सकता क्या? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यहां के नागरिकों की भूमिका है कि नहीं है? और मुझे महात्मा गांधी जीवन भर एक बात के लिए बड़े आग्रही थे, स्वच्छता के लिए। और वो तो यहां तक कह दिया था कि मुझे आजादी और स्वच्छता दो में से पहले प्राथमिकता देनी है तो मैं स्वच्छता को दूंगा। आज भारत में सबका एक मन बना है, हर किसी को लग रहा है कि हमारा देश ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत हो चुका, गंदगी में बहुत गुजारा कर लिया, दुनिया बदल रही है, हिंदुस्तान को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? और अच्छी बात यह है कि 125 करोड़ देशवासियों ने बदलने का मन बना लिया है। कोई देश न सरकारों से बनते हैं न सरकारों से बढ़ते हैं,
देश बनते हैं जन जन की इच्छा शक्ति से, जन जन की संकल्प शक्ति से, जन जन के पुरुषार्थ से, जन जन की त्याग और तपस्या से। पीढ़ियां खप जाती हैं तब एक राष्ट्र का निर्माण होता है। आज भारत में वो मिजाज पैदा हुआ है, हर भारतीय को लगने लगा है हम देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे। हम उस युग में जी रहे हैं कि जिस युग में अगर कुछ मिला है तो छोड़ने का मन कभी नहीं करता है। हम ट्रैवल करते हो और ट्रैवल करते समय हमारी सीट रिजर्व हो, हम सीट पर बैठे हो, बगल की सीट खाली हो, हमने अपने बैग वहां रख दी हो, अखबार रख दिए हो, कोई सामान रख दिया हो, वो सीट अपनी नहीं है लेकिन किसी और को आने में देर हुई है, हमने सब रखा है और जब वो आ जाए तो ऐसा मन खट्टा हो जाता है किसी और का है, हमारा नहीं था लेकिन कुछ पल के लिए उपयोग करने को मिला, वो भी छोड़ने का मन नहीं करता है। ये मूलभूत प्रवृत्ति है। लेकिन मैंने मेरे देशवासियों का जो मिजाज देखा है, भारत के लोगों ने क्या मन बनाया है, मैंने एक बार एक छोटी सी बात कही देशवासियों के सामने। मैंने कहा कि आप जो घर में गैस का चूल्हा जलाते हैं, वो जो गैस का सिलेंडर आता है उसमें करीब 500 रुपया सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। आप ऐसे परिवार के हो कि जिसमें 500 रुपया तो चाय पान में खर्च कर देते हो, आप ये सब्सिडी क्यों लेते हो? क्या आप ये सब्सिडी छोड़ नहीं सकते क्या? इतना सा मैंने कहा था और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं मेरे देश के 40 लाख लोग परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। बगल की कुर्सी न छोड़ने का जो मन रहता था वो आज सब्सिडी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और वो भी महात्मा गांधी कुछ कहें, लाल बहादुर शास्त्री कुछ कहें और देश कर लें, ये तो हमारे गले उतरता है, लेकिन मिज जैसा एक सामान्य मानवी, एक चाय बेचने वाला, ये देश के सामने एक बात रखे और मेरा देश इस बात को सर आंखों पर उठा ले, तब मेरा मन कहता है ये देश नई ऊंचाइयों पर जाकर के रहेगा। ये देश स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था कि मैं मेरी भारत माता को विश्व गुरु के रूप में देख रहा हूं, मैं विश्वास से कहता हूं कि अब हिंदुस्तान विवेकानंद जी के सपनों को साकार करने के लिए सज्ज हो चुका है। जितनी विविधताएं, जितनी विशेषताएं
जितने किंतु परंतु हिंदुस्तान में है उतने ही सिंगापुर में है। उसके बावजूद भी हर कोई सिंगापुरियन है, हर कोई सिंगापुर बनाने में लगा हुआ है, हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहा है। हम भी इस बात में सिंगापुर से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, जिस धरती से मंत्र निकला वहां भी जन जन मेरे परिवार का है, हर कोई मेरा अपना है, वही भाव देश को आगे बढ़ाने की ताकत बनता है और उसी को बढ़ाने की दिशा में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। सारी दुनिया को किस प्रकार से हिंदुस्तान की तरफ, मैं पिछले दिनों विश्व के बहुत सारे नेताओं से मिल रहा हूं। मैं जब चुनाव के मैदान में था तो मुझे पत्रकारों ने पूछा था कि आपकी विदेश नीति कैसी होगी, और मैं देख रहा था कि चुनाव के समय पत्रकार बहुत बुद्धिमान होते हैं, और बड़े चतुर भी होते हैं। तो जब मैं चुनाव अभियान करता था तो उनको मालूम था कि मोदी की वीकनेसेस क्या है, वो बराबर लेकर के आते थे। तो उनको लगता था कि ये गुजरात जैसे छोटे राज्य में काम करता है, इसको हिंदुस्तान का कोई अनुभव नहीं है, विदेश का तो सवाल ही नहीं है। तो मुझे वो हर दूसरे तीसरा सवाल घुमा फिरा करके विदेश नीति पर ले आते थे। अब उस समय मैं चुनाव के कैंपेन में था, मैं उनको विदेश नीति क्या समझाऊं, लेकिन वो बराबर पकड़ लेते थे और उनको समझ आता था कि इसमें ये बंदा वीक है, और वो घुमा फिराकर मुझे वही ले जाते थे। तो फिर मैं इतना ही कहता था कि देखिए भाई, जब हम इस जिम्मेवारी को निर्वाह करने की नौबत आएगी तब क्या करना वो देखेंगे, लेकिन मैं इतना विश्वास देता हूं न हम आंख झुका करके बात करेंगे, और न ही हम आंख दिखा करके बात करेंगे, हम दुनिया से आंख मिलाकर बात करेंगे। आज 18 महीने के बाद मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो वादा किया था उसको निभाया है। न हिंदुस्तान आंख झुका करके बात करता है, न कभी हिंदुस्तान किसी को आंख दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हिंदुस्तान आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वो आंख मिला करके बात करता है। बराबरी से बात करता है, और उसका एक परिणाम भी है, आज पूरा विश्व भारत के साथ बराबरी का व्यवहार कर रहा है। सारे विश्व को 125 करोड़
देशवासियों वाला देश क्या होता है, उसकी ताकत क्या होती है, अब विश्व भली भांति पहचानने भी लगा है, अनुभव भी करने लगा है। अब विश्व ये नहीं सोचता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, हम अपना माल बेचने के लिए पहुंच जाएंगे। वो सोच बदल चुकी है, अब उसको लगता है मौका मिल जाए तो हिंदुस्तान के साथ पार्टनरशिप कर लें, भागीदारी कर लें। और ये अनुभव आ रहा है इन दिनों, हर क्षेत्र में ये अनुभव आ रहा है। भारत में विदेश का पूंजी निवेश, एक बात निश्चित है, यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि हिंदुस्तान जैसा है वैसा ही रहे? कोई चाहता है? हर कोई चाहता है ना देश में बदलाव आए, हर कोई चाहता है देश आगे बढ़े, हर कोई चाहता है देश आधुनिक बने, हर कोई चाहता है देश से गरीबी मिटे, हर कोई चाहता है देश में नौजवान को रोजगार मिले। इस काम को पूरा करना है तो जहां से जो शक्ति मिले वो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? अगर परिवार में कोई बीमार है और विदेश की दवाई से काम चलने वाला है तो लाइन लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? बीमारी ठीक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? भारत में भी बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी की जरूरत है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। और जब मैं एफडीआई कहता हूं तो मेरे दिमाग में एफडीआई एक साथ दो विषय लेके चलती है। दुनिया की नजरों में एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में है फर्स्ट डेवलप इंडिया। और इसलिए एफडीआई टू एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू फर्स्ट डेवलप इंडिया। अब मुझे बताइए, आप कितने ही सालों से पड़ोसी के बराबर बराबर रहते हो और कभी अचानक 5-10 हजार रुपए की जरूरत पड़ गई और गए तो दे देगा क्या? वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो मदद जरूर करूंगा आपको, ऐसा करो आपके भाई साहब बाहर गए हैं, वो मंडे को आएंगे फिर मैं कुछ करूंगा। ऐसा ही करते हैं ना, 10 हजार रुपया भी बगल में कोई देने को तैयार नहीं होता है। आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, मैं जब सत्ता पर आया उसके पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में 40% ग्रोथ हुआ है, 40% ग्रोथ। हमें ये रुपयों की क्यों जरूरत है? कागज पर दिखाने के लिए नहीं, हमें बदलाव लाना है। आप हमारे देश की रेलवे, मुझे बताइए, रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बढ़िया नेटवर्क, दुनिया के कई देश जिसको जिसकी जनसंख्या है उससे ज्यादा लोग हमारे यहां एक समय रेल के डिब्बे में होते हैं। लेकिन समय रहते रेल आधुनिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, रेल की लंबाई बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए,
सेवाएं सुधरनी चाहिए कि नहीं सुधरनी चाहिए? अगर दुनिया के पास टेक्नोलॉजी है, दुनिया के पास पैसे हैं, दुनिया के पास भारत एक अवसर है, तो हमने मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आज दुनिया में जो जो देश रेलवे के लिए काम कर रहे हैं उन सबसे मिला हूं। मैं कह रहा हूं आइए आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी लाइए, और मेरे लिए रेलवे ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मेरे लिए रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन का इंजन है, हिंदुस्तान के ट्रांसफॉर्मेशन का इंजन। मैंने उसकी ताकत को जाना है, पहचाना है, और आज विश्व भर के लोग, और इसलिए हमने पहली बार देश में रेलवे को 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन अप कर दिया। नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई स्पीड आएगी, परिवर्तन आएगा। और सबसे बड़ी बात, हम जानते हैं जो लोग विदेशों में जाते हैं उनको तो बराबर जान मालूम है, आपके जेब में लाखों रुपया पड़े हो लेकिन कहीं एक चाय भी पीनी है तो मिलती है क्या? जब तक डॉलर नहीं होगा चाय नहीं मिलती है, रुपया का डॉलर करना पड़ता है, रुपया का पाउंड करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? अरे वो टैक्सी वाला भी कहेगा, यार रुपया मेरे काम का क्या है भाई, ये तो कागज है, मेरे काम का क्या है, तुम डॉलर में लाओ। भारत के करेंसी उसकी इज्जत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? विश्व भारत की करेंसी को भी उतना ही सम्मान दे या हम चाहते कि नहीं चाहते? पहली बार लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में रूपी बॉन्ड के लिए हम लोग आगे बढ़े। रेलवे के लिए अब रूपी बॉन्ड दुनिया का कोई भी व्यक्ति रुपयों में इन्वेस्ट कर सकता है और उसको रुपयों में वापस मिल सकता है। ये रुपये की इज्जत का कमाल है, वरना या तो गोल्ड चलता था या डॉलर या पाउंड चलते थे। आज दुनिया के बाजार में हम रुपये के रूप में एंटर कर रहे हैं जी। इसका कारण यह है कि पूरे विश्व में एक विश्वास पैदा हुआ है। ये जो रूपी बॉन्ड हमने लागू किया, अभी मैं जब यूके गया था, अभी तक बहुत लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा है कि करके क्या आया मोदी। अब आज मैं समझा रहा हूं तो शायद चर्चा शुरू होगी। रूपी बॉन्ड अपने आप में भारत की आर्थिक संपन्नता का एक महत्वपूर्ण मिसाल है, और हिंदुस्तान के हर नागरिक ने इसको गौरव के रूप में देखना चाहिए और इसको उजागर करना चाहिए, तभी तो भारत की ताकत बढ़ती है। हम ही अपने आप को कोसते रहेंगे तो फिर दुनिया हमारी तरफ क्यों देखेगी भाई? और इसलिए आत्मविश्वास के साथ एक समाज के रूप में विश्व के सामने हमारी एक पहचान बने, ताकत खड़ी हो, उस दिशा में हमारा प्रयास है। आज हिंदुस्तान में रक्षा के क्षेत्र में हमें सब चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, बाहर से लानी पड़ती हैं। अब आज के युग में क्या 125 करोड़ देशवासियों को हम असुरक्षित रख सकते हैं क्या? उनके नसीब पर छोड़ सकते हैं क्या? देश
के 125 करोड़ देशवासियों को सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अब उसके लिए हमारे सेना के जवान डंडा लेके खड़ा हो जाएगा तो काम चलेगा क्या? उसको भी शक्ति संपन्न औजारों से ताकतवर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? लेकिन क्या हम आजादी के 70 साल के बावजूद भी हर चीज बाहर से लाएंगे क्या? हर चीज इंपोर्ट करेंगे क्या? क्या 125 करोड़ देशवासी बना नहीं सकते क्या? आपको हैरानी होगी, सुरक्षा के क्षेत्र में पुलिस वालों के पास एक साधन होता है अश्रु गैस, टीयर गैस। भीड़ को तितर बितर करने के लिए वो टीयर गैस के सेल छेड़ते हैं। अब आंसू निकलते हैं तो फिर आंदोलनकारी भागते हैं। हम रोने के लिए भी बाहर से लाते हैं। अब रोना कि हंसना मुझे समझ नहीं आता है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। भारत का बहुतेक धन डिफेंस के लिए जो हम चीजें इंपोर्ट करते हैं उसमें खर्च हो जाता है। भारत के पास नौजवान है, भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास रॉ मटेरियल है, भारत की आवश्यकता है, क्यों ना हमारे डिफेंस इक्विपमेंट हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनने चाहिए? और इसलिए मैंने बीड़ा उठाया है कि भारत में रक्षा क्षेत्र में भारत अपने कदम पर खड़ा हो। और इसके लिए हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पहली बार 49% ओपन अप कर दिया है। और हमने ये भी कहा है कि अगर उत्तम कक्षा की टेक्नोलॉजी अगर उसमें इन्वॉल्व है तो हम उसको 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन अप कर देंगे। लोग आएंगे, भारत में पूंजी लगाएंगे और भारत के नौजवान शस्त्रास्त्र बनाएंगे, वो हमारी भी रक्षा करेंगे और कहीं भेजना है तो भेज भी पाएंगे। और इसलिए दुनिया के देश आज हमारे साथ समझौता कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि डिफेंस में कुछ भी खरीदारी करनी है तो हर बार करप्शन के आरोप लग जाते थे, इसलिए या तो निर्णय नहीं होता था या निर्णय होता था तो कहीं कहीं से कोई बू आती थी। 18 महीने हो गए, हमने एक के बाद एक निर्णय किए, ट्रांसपेरेंसी के साथ निर्णय किए और अब तक कोई हमारे पर उंगली नहीं उठा पा रहा है। देश की रक्षा के लिए आवश्यक है। हमारा देश दुनिया में जिन देशों के पास समृद्धि है उनके सामने कठिनाई भी है। दुनिया के बहुत देश ऐसे हैं जो आर्थिक संपन्नता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उस देशों में बुढ़ापा घर कर गया है, जवानी नहीं बची है। भारत अकेला देश ऐसा है जो आज दुनिया के जवान देशों में है। भारत की 65% जनसंख्या, 800 मिलियन लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। जिस देश की जवानी से लबालब भरा हुआ हो
उसके सपने भी जवान होते हैं, संकल्प भी जवान होते हैं, इरादे भी जवान होते हैं और पुरुषार्थ भी जवान होता है। हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला हुआ है, लेकिन ये ताकत में तब बदलेगा जब हमारे नौजवान के हाथों में हुनर हो, स्किल हो, रोजगार के अवसर हो। अगर वो नहीं है तो ये 35 साल की कम उम्र का नौजवान लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता है। और इसलिए देश को ये 65% नौजवान है, उनकी शक्ति को भारत के निर्माण में लगाना है। और इसलिए हमने अभियान चलाया स्किल डेवलपमेंट, और स्किल डेवलपमेंट में सिंगापुर का आईटी उसके साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं। हम जर्मनी जिसने स्किल डेवलपमेंट में काम किया है उसके साथ काम कर रहे हैं, हम यूएसए के साथ काम कर रहे हैं, दुनिया के देशों से जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट में महारत हासिल की है उसके पास जो उत्तम है उसको हम लाना चाहते हैं, और फिर उसमें हमारे लोग उसमें तो ताकतवर है, जोड़ देंगे नया। हम बहुत तेजी से आगे निकल सकते हैं, और इसलिए विश्व के साथ जब संबंध जोड़ते हैं तो ये ताकत हमारे काम आती है। हमारे यहां बहुत बड़ी मात्रा में यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस खुलते चले जा रहे हैं, प्राइवेट भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन फैकल्टी नहीं मिलती है। खुल तो जाता है, स्टूडेंट भी आ जाते हैं। हमने एक योजना बनाई ज्ञान, और हमने विश्व भर में रहने वाले लोगों से कहा, विशेष करके भारतीय समुदाय को कहा कि आप जब आपके यहां मौसम खराब रहता हो, बड़ी कड़ाके की ठंड रहती हो, बर्फ रहता हो, तकलीफ से गुजारा करना पड़ता हो, तो उस समय आप भारत चले आइए। छह महीने हमारे यहां रहिए, बच्चों को पढ़ाइए, छह महीने उधर चले जाइए, जब हमारे यहां गर्मी शुरू हो तो वहां चले जाना। हमने यूएसए के साथ समझौता किया, और मुझे खुशी है कि बहुत बड़ी मात्रा में, सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े विद्वान, भारतीय मूल के भी और विदेशी भी, जो रिटायर्ड हुए हैं, वे आज भारत में आकर के पढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं, हमारी नई पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मेरी कोशिश यह है कि दुनिया में जो श्रेष्ठ है वो हिंदुस्तान में होना चाहिए, और हमारा जो श्रेष्ठ है उसमें दुनिया का श्रेष्ठ जुड़ना चाहिए। और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हमारा देश, हमारे नौजवान, उसकी शक्ति को जोड़ करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आप में से यहां बहुत लोग होंगे जिनको शायद अपने गांव में बिजली का संकट रहता होगा। जिस गांव से आप आए होंगे 24 घंटे बिजली तो नसीब ही नहीं होती होगी, वो दिन याद है ना, कि सब भूल गए। आजादी के 70 साल के बाद क्या मेरा देशवासी, उसे बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उसको मोबाइल फोन तो मिल जाता है, लेकिन चार्जिंग के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। ये स्थिति बदलनी है, बस बदलनी है, और हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। यह हकीकत है कि
कि आज भी मेरे देश के लाखों परिवार, करोड़ों परिवार, हजारों गांव बिजली के संकट से जूझ रहे हैं। अगर मुझे आधुनिक हिंदुस्तान बनाना है, हमारे बच्चे स्कूलों में कंप्यूटर चलाना अगर उनको सिखाना है तो बिजली की तो जरूरत पड़ेगी। हमने बीड़ा उठाया है 2022, जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, देश आजादी के 75 साल मनाता होगा, तब हिंदुस्तान में हर परिवार को 24 घंटे बिजली 365 दिन मिल रही है। अब एक तरफ दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के कारण परेशान है, दुनिया दबाव डाल रही है कि कोयले से बिजली पैदा मत करो। हम भी चाहते हैं कि दुनिया के सुख में हम भी जुड़े, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जिन्होंने सदियों से पर्यावरण की रक्षा की है। हम ही तो लोग हैं जिन्होंने पौधे में परमात्मा देखा था। हम ही तो लोग हैं जो जीव में शिव के दर्शन करते हैं। इस महान परंपरा से निकले हुए हम लोग हैं, और इसलिए हमारे लिए तो पर्यावरण ये हमारे सांसों की तरह हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और इसलिए हम मानव जात का नुकसान हो ऐसा कभी सोच नहीं सकते। और महात्मा गांधी से बढ़कर के पर्यावरण का कोई एम्बेसडर नहीं हो सकता है, एनवायरमेंट का कोई एम्बेसडर नहीं हो सकता है। शायद दुनिया में अपने जीवन काल में कम से कम कार्बन फुटप्रिंट वाला कोई इंसान होगा, मैं कहता हूं शायद महात्मा गांधी अकेले होंगे। और इसलिए हम ऊर्जा तो चाहते हैं, लेकिन दुनिया के लिए संकट भी पैदा करना नहीं चाहते। भारत ने सपना देखा है 2030 तक 40% बिजली वे नॉन फोसिल माध्यम से होगी, कोयले के माध्यम से नहीं होगी। मतलब ये जो छोटे छोटे टापू देश है ना, जिनको डर लग रहा है कि समंदर का अगर स्तर बढ़ गया तो डूब जाएंगे, हम आपको डूबने नहीं देंगे। हमसे जो हो सकता है वो हिंदुस्तान करेगा, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, हाइड्रो चाहिए, सोलार चाहिए, विंड चाहिए, बायोमास में से निकलना चाहिए। अब ये चीजें हैं जो खर्चीली हैं। हम अगर न्यूक्लियर एनर्जी में जाना चाहते हैं, हमें यूरेनियम चाहिए। यूरेनियम इसलिए नहीं मिलता है कि आपको जरूरत है या आपके पास पैसे हैं। यूरेनियम आजकल तब मिलता है जब आप पर विश्व का भरोसा हो कि आप इसका शांति के लिए ही उपयोग करेंगे और किसी पाप को आप हाथ नहीं करोगे, तब जाकर के दुनिया यूरेनियम देती है। भारत ने यह विश्वास पैदा किया है। हमारी आवश्यकता के अनुसार दुनिया के नए नए देश अब हमें यूरेनियम देने के लिए तैयार हुए हैं। पिछले 18 महीने में कजकिस्तान कहो, कनाडा कहो, ऑस्ट्रेलिया कहो, इन्होंने भारत को सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमारे साथ करार की, और कुछ लोगों ने तो डिलीवरी देना शुरू कर दिया। हम भारत के लोग जब बिजली की बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पहले तो यूनिट पे चर्चा करते थे, कितने यूनिट बिजली, कितना दाम वगैरह। थोड़ा आगे बढ़े तो हम मेगावाट पर सोचने लगे, इतना मेगावाट, इतना मेगावाट। भारत ने कभी बिजली के क्षेत्र में मेगावाट से आगे सोचा ही नहीं। हमने पहली बार फैसला किया है
175 गीगावाट। रिन्यूएबल एनर्जी, बड़ी सामान्य बुद्धि का विषय होता है। हम लोग स्कूल में जब एग्जाम देते थे तो टीचर क्या सिखाते थे, टीचर सिखाते थे जब एग्जाम में जाते हो तो देखो भाई जो सरल सवाल है उसको पहले उठाओ, यही सिखाते थे ना। मेरे टीचर ने तो यही सिखाया था, आपको भी वैसे ही सिखाया होगा कि जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले एड्रेस करो और जो कठिन है तो बाद में समय बच जाए तब देख लेना, यही होता है ना। मुझे बताइए हमारे पास इतना सूरज तपता हो, करीब करीब 365 दिन सूरज तपता हो और हम बच्चों को भी एनवायरनमेंट बढ़िया ढंग से सिखाते हैं। हर माँ बच्चे को कहती है ये चांदा तेरा मामा है और सूरज तेरा दादा है, लेकिन हमने कभी उस दादा की उंगली पकड़ करके चलना सीखा नहीं। क्यों ना सूर्य शक्ति हमारे जैसे देश की विकास का सबसे बड़ा स्तंभ बन सकता है और इसलिए सोलार एनर्जी पर हम बल दे रहे हैं। 100 गीगावाट सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास। मेरा जो क्लीन इंडिया मूवमेंट है ना, 500 शहरों का जो कूड़ा कचरा है, गंदगी है, उसमें से बिजली पैदा करना भले महंगी पड़े लेकिन मेरा साफ शहर बनना चाहिए। अब इन चीजों के लिए विदेशों से धन चाहिए, विदेशों से टेक्नोलॉजी चाहिए, विदेशों से मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग चाहिए, जिन लोगों की इस चीजों में मास्टरी है वो लोग चाहिए। और मैं बड़े आनंद से कह सकता हूं कि आज दुनिया को भारत के 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी में इतना आकर्षण पैदा हुआ है, विश्व के राजनेताओं को ताज्जुब हो रहा है और विश्व के पूंजी निवेशकों को एक नया अवसर नजर आ रहा है कि वो भारत में आकर के बिजली के उत्पादन के अंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। दुनिया के साथ संबंध होते हैं, वो संबंध गुड़ी गुड़ी बातों से नहीं होते हैं। विश्व या तो आपका लोहा मानता है या विश्व अपनेपन की भाषा समझता है। आज मैं संतोष के साथ कहता हूं कि विश्व के साथ भारत ने ऐसे संबंधों को बनाने का रूप लिया है। आप मुझे बताइए पश्चिम एशिया के देशों में जो तूफान चल रहा है, निर्दोषों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर है, उन देशों में 70 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं, 70 लाख, 7 मिलियन। आप मुझे बताइए, आप सिंगापुर में रहते हैं इसलिए बहुत जल्द बात को समझोगे, क्या उनको उनके नसीब पे छोड़ देना चाहिए? क्या उन पर संकट आएगा तो किसकी तरफ देखेंगे, किसकी तरफ देखेंगे? वे मुसीबत में होंगे तो किसकी तरफ देखेंगे? और तब भारत ये कहे कि बेटे तुम तो चले गए थे, अब क्या याद कर रहे हो, चलेगा क्या? अगर कहीं से आवाज उठती है, कहीं से एक भी सिसकी सुनाई देती है तो दूसरे ही पल उसको यही आवाज सुनाई देनी चाहिए कि चिंता मत करो, भारत है ना। कहीं पर भी सिसकी सुनाई दे उसको यही आवाज सुनाई देनी चाहिए, हां भारत है ना। और एक बार उसके कान में स्वर गूंजता है वो निश्चिंत हो जाता है, ठीक है संकट के बादल आए हैं लेकिन मेरा देश मुझे बचा लेगा।
और तब तब ये विश्व के रिश्ते काम आते हैं, संबंध काम आते हैं। यमन हो, इराक हो, हजारों की तादाद में हमारे भारतीय भाई बहन फंसे थे। इवन हमारी केरल की नर्सिस बहनें जीवन और मौत के बीच वो पल उन्होंने कैसे बिताए होंगे हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन विश्व के साथ जो संबंध जुड़े हैं, दुनिया के कुछ देशों से प्रार्थना की, देखिए इसमें क्या मदद कर सकते हो। और मैं आज संतोष कैसे कह सकता हूं कि उन देशों ने हमारी इन बच्चियों को लाकर के केरल तक पहुंचाने में हमारी भरपूर मदद की। यमन में हमारे हजारों लोग फंसे थे, हम 3 महीने से उनको कह रहे थे कि भाई निकलो निकलो निकलो, लेकिन कोई निकलने को तैयार नहीं था। ये बाहर जो रहते नहीं, इतनी बात ध्यान रखे भाई, इतना हम समझाए वो नहीं नहीं वो तो साहब देखा जाएगा, क्योंकि इतने प्यार से रहते थे, इतनी निकटता थी कि उनको कभी शक ही नहीं था कि कोई मुसीबत आ सकती है। लेकिन चारों तरफ बमबार्डिंग शुरू हुआ। हमने दुनिया के कुछ देशों के लोगों के साथ मैंने फोन पर बात की और आज मैं संतोष के साथ कहता हूं कि दुनिया के उन देशों ने हमारी मदद की और हम हजारों की तादाद में हमारे सभी यमन में फंसे हुए नागरिकों को लेकर के वापस आए। इराक हो, लीबिया हो, यमन हो, विश्व के साथ संबंध आज के युग में हर पल हर समय आवश्यकता होती है। अरे कभी कभार नेपाल में हमारे यात्री चले जाएं और एक बस गड्ढे में पड़ जाए, अगर नेपाल सरकार के साथ नाते नहीं होगा तो उन बेचारों का कौन देखेगा। विश्व के साथ संबंध बनाने का प्रयास और फॉर्मेलिटी से नहीं चलता है, आज युग बदल चुका है, जीवंत नाता होना अनिवार्य होता है। और तब जाकर के हमारे देशवासियों की जिंदगी जब दांव पर लगी हो तब वो संबंध काम आ जाते हैं और उनकी जिंदगी बच जाती है। दुनिया के किसी एक देश में कोई एक भारतीय का जान चली जाए तो पूरा हिंदुस्तान बेचैन हो जाता है, हजारों की जान बच जाए तो खुशी कितनी हो सकती है इसका आप अंदाज लगा सकते हो। और इसलिए हमारी ये कोशिश रही है कि भारत विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे। और आज वो जमाना नहीं है कि आप इन 4 देशों के साथ दोस्ती बना ली तो गाड़ी चल जाएगी। पहले तो दुनिया कुछ गुटों में बटी हुई थी, आप किसी गुट के साथ दोस्ती कर लो तो वो गुट आपकी रखेवाली कर लेता था। आज वो युग नहीं है, आज पूरा विश्व इंटरडिपेंडेंट हो गया है। कोई भी दुनिया का देश आइसोलेटेड नहीं रह सकता है और कोई भी दुनिया का देश अकेला ही सब कर लूंगा, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश होगा, ताकतवर से ताकतवर देश होगा, लेकिन छोटे से छोटे देश पर भी वो डिपेंडेंट होता है। पूरी दुनिया इंटरडिपेंडेंट है। भारत ने अगर दुनिया में आगे बढ़ना है, भारत ने अपनी जगह बनानी है, तो इंटरडिपेंडेंट इस दुनिया के अंदर हमने भी अपने संबंधों को ताजगी देनी पड़ती है। देश छोटा कितना ही छोटा क्यों ना हो लेकिन यूएन में उसकी ताकत होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं हिंदुस्तान के वासियों को कहूं कि गैस की सब्सिडी छोड़ दो, 40 लाख लोग गैस छोड़ सबकी छोड़ दे और भारत का वक्त कैसा बदला है। अगर हिंदुस्तान ये कहे कि दुनिया नाक पकड़ ले, योगा करे, हमने किसी को कान पकड़ने के लिए नहीं कहा है। 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाए,
कौन भारतीय होगा जिसको इस बात का गर्व नहीं हुआ होगा भाइयों बहनों। जिस दिन नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पग रखा होगा, सिर्फ अमेरिकन नहीं विश्व की मानव जात ने गौरव अनुभव किया होगा। आज जब 21 जून को पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर को लेकर के योगा दिवस बनाने के लिए आगे आ जाए, कोई बंधन नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई बाधाएं नहीं, एक मन से योगा के लिए विश्व तैयार हो जाए। और दुनिया की पहली घटना है कि इतने कम समय में यूनाइटेड नेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ, इतने देशों ने इसको को-स्पॉन्सर किया और दुनिया के इतने देशों ने इसको बनाया। सिंगापुर ने भी बड़े धूमधाम से योगा दिवस बनाया था। अब ये मोदी कोई योगा लाया है क्या? ये तो था ही था, लेकिन हमें हमारे में भरोसा नहीं था, इसलिए हम संकोच करते थे यार, किसी को कहेंगे और पता नहीं वो नाक चढ़ा देगा और पता नहीं इनकार कर देगा। तो अगर हमारा अपने आप में विश्वास हो तो दुनिया हमारे साथ चलने के लिए तैयार होती है। दुनिया भी शांति की तलाश में है, दुनिया भी संतोष की तलाश में है। कोई तो आए जो उंगली पकड़ करके चलाए, दुनिया चलने के लिए तैयार है। और भारत आज तैयार हुआ है, विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला करके तैयार हुआ है, चल सकता है भारत। भाइयों बहनों, मेरा एक ही काम लेकर के मैं निकला हूं, और उस काम को पूरा करने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद के साथ साथ विश्व में फैले हुए मेरे भारत के प्यारे भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद चाहिए। और वो काम है, एक ही काम करना है मुझे, विकास, विकास, विकास। और वो विकास जो गरीब के आंसू पहुंचने की ताकत रखता हो, वो विकास जो नौजवान को रोजगार देता हो, वो विकास जो किसान की जिंदगी में खुशहाली लाता हो, वो विकास जो हमारी माताओं बहनों को एम्पावर करता हो, वो विकास जो एकता और अखंडता के मंत्र को लेकर के विश्व के अंदर सर ऊंचा करके खड़ा रह सकता हो, वैसा विकास करने का सपना लेकर के मैं चला। भारत आगे बढ़े इतना काफी नहीं है, भारत आधुनिक बने ये भी उतना ही आवश्यक है। हम सिर्फ कभी कभी क्या होता है, आप देखा होगा किसी सीनियर सिटीजन को आप मिलोगे, 70 साल की उम्र हो गई होगी, 80 साल की उम्र हो गई होगी, पोते पोती नमस्ते करने जाएंगे तो वो क्या करता है, आओ बैठो, देखो मैं जब 30 साल का था ना तो मैं ऐसा करता था। अब बच्चों ने ये बात 10 बार सुनी होती है, तो जब दादा बुलाते हैं तो बच्चे भाग जाते हैं, उनको लगता है कि ये दादा फिर कुछ कथा सुनाएंगे। ऐसा हम देखते हैं परिवार के जीवन में, हम सब देखते हैं, बालक भी लंबे समय तक पुराने पराक्रमों को सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं देशवासियों को ये कहने की हिम्मत करता हूं, आज हमारे पूर्वजों ने जो पराक्रम किए हैं वो हमारी प्रेरणा के कारण बन सकते हैं,
लेकिन हमारे पूर्वजों के पराक्रम पर गीत गाते गाते हम गुजारा नहीं कर सकते हैं। हमने अपने युग में हमने पूर्वजों के पराक्रम से प्रेरणा लेकर के अपने वर्तमान को भी उज्जवल करना है और भविष्य की मजबूत नींव डालना, ये हमारा दायित्व बनता है। सिर्फ महान संस्कृति, महान परंपरा, 5000 साल का उज्जवल इतिहास, इसी के गीत गाते रहे और हम पड़ोसी को कभी पानी भी पिलाने को तैयार ना हो, ऐसा कभी मेरा देश नहीं हो सकता है। और इसलिए पूर्वजों के पराक्रम, महान संस्कृति, महान परंपरा, उसकी जो उत्तम चीजें हैं उसको हमें प्रेरणा लेनी है, लेकिन अपने पसीने से वर्तमान को घड़ना है, अपनी इच्छा शक्ति से भविष्य की मजबूत नींव डालनी है, ताकि आने वाली पीढ़ी ये न कहे कि आपके पूर्वजों ने तो बहुत करके गए, तुम बताओ बेटे तुमने क्या किया। ये सवाल का जवाब देने का हमारे में हौसला होना चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। अपने सामर्थ्य से, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से हमने हमारे देश को बनाना चाहिए, हमने हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए और हमारे जो मूल्य हैं, सांस्कृतिक विरासतें हैं, उसको विश्व को परिचित कराना चाहिए। ये जब तक हम संतुलन नहीं करते, दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी। मुझे विश्वास है कि विकास के इन सपनों को लेकर के जो हम चल रहे हैं, उसमें आपका पूरा पूरा योगदान रहेगा। भारत का गौरव बढ़ाने के लिए हम जहां हो, जहां भी हो, हम जरूर अपनी तरफ से प्रयास करते रहें। दुनिया को देने के लिए इस देश के पास बहुत कुछ है। अनेक संकटों के बाद भी आज भी सीना तान करके खड़े रहने की हमारे में हिम्मत है, लेकिन सीना तानना पड़े वो दिन आने नहीं चाहिए। और वो तब होता है जब हम अपने वर्तमान को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, सामूहिक पुरुषार्थ करते हैं, सामर्थ्य के साथ चलते हैं, तब जाकर के प्रणाम मिलता है। सिंगापुर को हर किसी ने बनाया है, हर कोई बना रहा है और सिंगापुर भी आने अगल बगल के मुल्कों को बनाने की ताकत रखता है। मैं सिंगापुर को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इस सिंगापुर की विकास यात्रा को मैं नमन करता हूं। इस सिंगापुर सचमुच में 100-100 सलाम करने वाला देश बन गया है, मैं उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 125 करोड़ का देश हिंदुस्तान, वो भी उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ेगा। इसी एक संकल्प के साथ मैं फिर एक बार सभी सिंगापुरियन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।